हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की जो क्रिएटिव लर्निंग में। आज स्टूडेंट की डिमांड पर मैं फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड ये डिस्कस करने वाला हूं। यहां शॉकिंग पॉइंट ये है कि ये सी प्लस प्लस का डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स मेरे चैनल पर कम है। ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम जो है जावा के हैं। अभी सी प्लस प्लस का सीरीज स्टार्ट नहीं किया है, जल्दी ही मैं करूंगा, लेकिन ये एक स्टूडेंट की डिमांड थी इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। और ये सी प्लस प्लस का नहीं है, ये सी लैंग्वेज का है। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट है। ओके, सी आउट होता तो ये सी प्लस प्लस का होता। जनरली मैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सभी लैंग्वेजेस पढ़ाता हूँ, तो ऑन डिमांड मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि उनका प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है, एक्स इज इक्वल टू फोर वाई और जेड, एंड वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स एंड जेड इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, वही मैंने सेम कोड यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। परसेंट डी परसेंट इन्होंने यहाँ लिखा है और वाई कॉमा जेड। ओके, इसके अलग अलग वेरिएशन देखेंगे। पहले तो जो इन्होंने दिया है उसी का आंसर निकालेंगे। फिर इन्होंने देखो यहाँ पर डैश थोड़ा सा बड़ा सा दिया हुआ है और यहाँ छोटा, तो दोनों का क्या मीनिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, उनका क्या पर्पस हो सकता है, तो यहाँ पर देखते हैं। माइनस माइनस एक्स, यहाँ ये फ्री ऑपरेटर है, इसमें क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन हो जाता है, तो ये फोर है, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ओके, तो जो y का वैल्यू यहाँ प्रिंट होगा डेट विल बी थ्री। ओके, तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आंसर क्या मिलेगा ये देखते हैं पहले। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया है वो है 3%, बहुत छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो आंसर डिस्प्ले हो रहा है वो 3% डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो 3% क्यों हो रहा है वो हमें समझना है यहाँ पर। तो रिजल्ट तो आ गया 3%, क्यों आया, क्योंकि यहाँ एक्चुअली वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए जैसे y, z है ना, तो यहाँ परसेंट डी और परसेंट डी होना चाहिए। अगर परसेंट डी कंप्लीट होता तो z का वैल्यू भी प्रिंट होता। ओके, अब z का वैल्यू क्या आता वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो एज इट इज जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर 3% है। ओके, 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक माइनस हो जाएगा और y के अंदर 3 आएगा, x की वैल्यू 4 है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर परसेंट डी लगा देता हूँ तो उससे क्या होगा, z का वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, ओनली परसेंट डी, क्योंकि परसेंट डी लिखते हो तभी एक्स और वाई और जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू प्रिंट होती है यहाँ पर। ये फॉर्मेट है, अगर आपको सी लैंग्वेज आता है, क्योंकि मैंने तो कराया नहीं है अभी अपने चैनल पर, बस मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, तो इतना तो आपको पता ही होगा। तो जस्ट इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले मैं वैल्यू बता देता हूँ एग्जीक्यूशन से पहले क्या होगा। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्स का वैल्यू 4 है तो यहाँ वाई का वैल्यू आ जाएगा 3 और एक्स का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसमें यही यूनिक पॉइंट है, ये अपने आप की वैल्यू को चेंज कर देता है। देन यहाँ पर फिर x को 4 एज्यूम नहीं करेंगे, वी एज्यूम 3। ओके, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x को 3 लेकर चलेंगे। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, x भी चेंज हो जाएगा, तो x तो वैसे प्रिंट नहीं किया है, अगर आप x को प्रिंट करोगे तो 2 प्रिंट होगा, मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 3%, सॉरी 3 and 2 आएगा इसका आंसर। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, देखो 3, 2 आ रहा है आंसर यहाँ पर। ओके, 3 and 2 आपका आंसर आया। अब इसमें दूसरा वेरिएशन क्या है, अगर टीचर के माइंड में ये है कि ये माइनस माइनस एक्स नहीं है, ये माइनस और स्पेस माइनस एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स है, ऐसा भी वो बोल सकते हैं। कभी कभी कुछ टीचर्स बोलते हैं कि ये माइनस माइनस नहीं था, यहाँ बीच में गैप था, तो उससे क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। ये अब वो माइनस माइनस की तरह ट्रीट नहीं होगा, ये वैसा ही होगा कि आपके पास माइनस है और माइनस फोर है, तो माइनस माइनस का जब प्लस मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव फोर निकल कर आएगा इसका आंसर। तो फिर कहानी ये हो जाएगी, ये कब होगी, जब हम यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाल देंगे। ओके, तो अगर वो गैप के लिए बोलते हैं तो अब कहानी पूरी चेंज हो जाएगी कि माइनस माइनस एक्स, तो जो एक्स की वैल्यू है 4
वो पहले तो माइनस में कन्वर्ट होगा, एक्स का वैल्यू जो 4 है वो -4 होगा, और उससे भी पहले माइनस है तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा है ना, और ये जो 4 है वो y के अंदर ट्रांसफर होगा, तो y का वैल्यू हो गया 4, मतलब बेवकूफी की है इंसर्ट। ओके एंड अब इस केस में जो z के केस में माइनस माइनस x है तो वैसे ही फॉलो होगा। ओके यहाँ पर भी अगर हम वही टेक्निक फॉलो करेंगे तो वो अब आपको समझ में आ गया अगर आपके टीचर बोलते हैं, लेकिन अगर ये माइनस माइनस है तो अब यहाँ पर ये डिडक्ट हो जाएगा, मतलब जेड का वैल्यू 3 आएगा, तो यहाँ पर मैं माइनस माइनस एक्स लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑर्डर डिक्रीमेंट लेके चल रहा हूँ, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, और यहाँ पर अलग अलग माइनस माइनस एक्स इस टाइप से। ओके क्योंकि ऐसा भी मैंने देखा है कुछ जगह पर, तो ऐसा करते हैं, तो इसका फाइनल आंसर जेड का 3 आएगा और एक्स का आएगा 4, तो आंसर आ जाएगा सॉरी वाई का आएगा 4, तो यहाँ 4 आएगा और 3 आएगा, तो देखते हैं आंसर क्या आता है, 4 3 आएगा क्या, आएगा क्यों नहीं आएगा। देखो 4 3 आया, तो जैसे जैसे मैं प्रिडिक्शन करके बता रहा हूँ वैसे आपका आंसर आ रहा है। ओके तो इस टाइप से आपका आंसर आता है, तो 4 3 हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वेरिएशंस पहले तो जो कोड आपको दिया है उसका आंसर मैंने बता दिया, फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बताया, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक भी बहुत होती है। अभी देखो यहाँ तो ये ओ जैसा लग रहा है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके तो वो क्या बोलेंगे, ओ नहीं है 0 ही है, क्योंकि ओ का मतलब ही नहीं बनता। ओके और देन और यहाँ पर इस रिटर्न का कोई यूज नहीं है, मतलब इससे कंफ्यूज नहीं होना है, तो इस टाइप से ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, समझ में आ गया है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। अब सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, इंट एन फॉर एन इज इक्वल टू 10, एन ग्रेटर देन 0, एन माइनस माइनस, और मैं एक और बार बता देता हूँ आपको कि ये सी लैंग्वेज का है। ओके एंड यहाँ पर इसका आउटपुट निकालते हैं, तो कंप्लीट कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। यहाँ पर एक लूप लगाया है जिसमें एन इज इक्वल टू 10 से ये 0 तक चलेगा। ओके और एक कंडीशन है एन डबल इक्वल टू 3, एक कंडीशन, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इफ के साथ ब्रैकेट स्टार्ट नहीं किया है। जब इफ के साथ ब्रैकेट स्टार्ट नहीं होता, आप यहां से समझ सकते हो, इफ के साथ ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि ओनली दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज कंसीडर इनसाइड द इफ, दीज टू कंडीशन वॉन्ट कंसीडर इनसाइड द इफ, बट दीज टू कंडीशन सॉरी दीज टू स्टेटमेंट्स वी कंसीडर इन द लूप। लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ फिनिश हो रहा है, तो ये दोनों लाइन लूप के अंदर है। और ब्रेक का मीनिंग मैं बता देता हूँ, जब भी ब्रेक चलेगा ना तो लूप बंद हो जाता है, ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है, लूप क्लोज हो जाता है। ओके तो एन में आया 10, राइट, यहाँ हो जाएगी कंडीशन ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू, दैट्स व्हाई वी, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर चले जाएंगे और इफ कंडीशन को चेक करेंगे, इफ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, इसलिए ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब एन का जो वैल्यू है 10 वो प्रिंट नहीं होगा, देन ये इफ के अंदर नहीं है, ये एग्जीक्यूट होगा, तो मैसेज आएगा काउंट डाउन अबॉर्ट इट, एंड ब्रेक से वो अबॉर्ट भी हो जाएगा, मतलब एक ही मैसेज आएगा दिस वन। ओके इसका फिर मैं अलग वेरिएशन भी बताऊंगा कि अगर ये ब्रैकेट यहाँ होता तो क्या होता, और भी, तो पहले तो इस जो क्वेश्चन एज इट इज है उसका आंसर देखते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो हमने इसे एग्जीक्यूट कंपाइल किया नो एरर, फिर इसे एग्जीक्यूट कर लिया और आंसर आया काउंट डाउन अबॉर्ट इट। क्यों आया एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस इफ के अंदर ये स्टेटमेंट है ओनली, बिकॉज यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट नहीं है, अगर मैं ब्रैकेट इसे हटा कर यहाँ लगा देता हूँ तो आंसर क्या आएगा, तब आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो भी अभी मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ बताऊंगा, और पहले मैं थियोरेटिकली बता देता हूँ। तो एन में 10 आएगा, ये कंडीशन तो ट्रू रहेगी 1 तक, ओके ग्रेटर देन 0 है, बट ये कंडीशन फॉल्स रहेगी है ना, 10 के लिए भी फॉल्स हो जाएगी, 9 के लिए भी फॉल्स हो जाएगी, 8 के लिए भी फॉल्स हो जाएगी, ऐसे करते करते ये पहुंचेगा 3 पर, 3 पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब n 3 आएगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो
सबसे पहले तो 3 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये चलेगा काउंटडाउन अबॉर्टेड, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा सेम लाइन में, बिकॉज एलएम नहीं है कहीं पर भी, तो 3 काउंटडाउन अबॉर्टेड ये आ जाएगा, और फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर लूप बंद हो जाएगा, है ना। 2 और 1 के लिए नहीं चलेगा, यहीं से लूप बंद हो जाएगा। तो देखते हैं ये छोटा सा ब्रैकेट ऊपर नीचे करने से क्या फर्क पड़ेगा, और जो मैं बोल रहा हूँ वही आंसर आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो जैसे ही मैंने ये ब्रैकेट लगाया यहाँ पर, इससे क्या होगा कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये इफ के अंदर आ जाएंगे, तो जब इफ की कंडीशन ट्रू होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो मैंने इसे कंपाइल करके देखा और रन किया, तो देखो यहाँ पर 3 भी आ रहा है, ओके यहाँ पर 3 आ रहा है और काउंटडाउन अबॉर्टेड भी आ रहा है। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, और कमेंट करके मुझे बताना ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एंड जो था उसका आंसर क्या आएगा वो भी मैंने बता दिया, और थोड़ा सा चेंज करके क्या आंसर आएगा वो भी मैंने बता दिया। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।